भाई मजा आ गया भाई मजा। ये रहा लाल किला भाई, आदमी दारू पीता गम बुलाने गर्लफ्रेंड छोड़ के जामा मस्जिद के। और एक चीज यहाँ पर आके ध्यान रखना। हेलो गाइस, के तो सर आए हो, आप सब बढ़िया होंगे, हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का ब्लॉग ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। क्योंकि भाई तुम्हारा भाई जा रहा है ओल्ड दिल्ली, इधर है रेड फोर्ट भी है, मतलब लाल किला भी उधर है, जामा मस्जिद भी है। तो भाई आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई। जो हम लोग जा रहे हैं तो भाई जा रहे हैं अपनी सिस्टर के साथ, ये चेक करो पीछे है, तो चलते हैं सीधा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग ऑटो में आ चुके हैं भाई। यहाँ पर कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले हमें ऑटो पकड़ना होता है। ये ऑटो वाले भैया मेरे को उतारेंगे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से हम लोग करेंगे भाई वो टोकन वोकन लेके। कहाँ जाएंगे टोकन लेके? अरे जामा मस्जिद जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे टोकन ही लेके जाएंगे। तो गाइस फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर, तो जल्दी से जल्दी अपना टोकन लेते हैं फिर चलते हैं भाई सीधा लाल किला की तरफ। इधर करो। तो गाइस अभी हम लोग ने भाई टोकन वगैरह लेके आ गया हूँ भाई मेट्रो लाइन पे, वेट कर रहा हूँ। पर अभी हमारी मेट्रो बस जस्ट आ गई, उसके सामने चेक कर सकते हो, आ रही है बस, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। अभी हम लोग आ चुके हैं लाल किले वाले है भाई मेट्रो स्टेशन में, तो अभी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं भाई बाहर के लिए। तो बाहर से हम लोग को ऑटो मिलेगा ना अभी? नहीं। अरे तो चलते हैं देखते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई लाल किला, चेक करो लाल किला जस्ट मेरे सामने, ये चेक करो भाई। तो भाई अभी काम करते हैं, अभी पास से चलते फिर पास से आपको दिखा रहे हैं। लाल किला सामने पड़ी है, मेला वगैरह लगा हुआ है, ये मेरे को नहीं पता क्यों लगा हुआ है। तो भाई चलते हैं लाल किला के पास, चेक करो भाई एकदम सामने मेरे लाल किला भाई, कितना औसम लग रहा है, एक बार तुम लोग अपनी आंखों से देख लो ये रहा लाल किला भाई। झंडा देख लो कितना औसम लग रहा है, ऊपर से लहरा रही है पूरा लाल किला इधर से यहाँ तक भाई। इधर भाई क्या कहते हैं बाहर के लोग घूमने आए हुए हैं, वो देख लो अंग्रेज अंग्रेज भी टहल रहे हैं। ओफ इतनी प्यारी लड़की रही है भाई, बढ़िया सारा सीन है। तो अभी देखते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या करेंगे, तो अभी दिखाते हैं क्या क्या सीन है ना यार। यहाँ पर मैं थोड़ी कुछ रील्स वगैरह सोच रहा हूँ शूट कर लूँ, कुछ फोटोज वगैरह खिंचवा लूँ और इंस्टाग्राम पर कुछ अपडेट भी डाल दूँ, स्टोरी स्टोरी डाल दूँ कि भाई लाल किला पर आया हुआ हूँ। तो भाई चलते जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं शूट वगैरह यहाँ पर। मैंने लिए भी कुछ हम लोगों ने रील्स और कुछ फोटोज वगैरह भी यहाँ पर शूट के लिए, अगर वो फोटोज वगैरह देखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो अजीज वजन। तो अभी एक काम करते हैं इधर से भी क्या पास में, अभी यहाँ से पास में जामा मस्जिद भी, तो एक काम करते हैं यहाँ से रेड फोर्ट से अभी हम लोग जा रहे सीधा जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद भी आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं। निकल ही रहा था एक बार भाई, देख लो भाई अंग्रेज भाई लोग के सिस्टम चेक करो भाई, ये देखो बस फोटो लेने के लिए कितनी परेड भीड़ लग रखी है इधर, अंदर खड़े अपने भाई, अंदर खड़ी भाई भाभी और क्या होता है टाइट। तो गाइस अभी फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई रेड फोर्ट से, अभी जा रहे सीधा जामा मस्जिद की तरफ भाई। काफी ज्यादा भीड़, एक बार भीड़ यहाँ पर चेक करो कितनी ज्यादा लगी हुई है। तो भाई बराबर हर तरफ फोटो वीडियो हर तरफ चल ही रहा भाई, ये देखो सब लोग देख रहे हो, हर तरफ भीड़ भीड़ लगी भाई, यहाँ पर 24 घंटे भीड़ रहती है बस फोटो वोटो के लिए, फॉरेनर्स वगैरह आते रहते हैं इधर वीडियो शूट के लिए। अभी हम लोग का जो जामा मस्जिद जाने का प्लान था वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ, इन द सेंस ये कि मेरे को लगी काफी तेज भूख। तो अभी हम लोग आए भाई इधर की फेमस बिरयानी खाने भाई, जो की है बिरयानी लेते हैं भाई का अंदर का इंटीरियर देखो एकदम एक नंबर ऑप्शन है। तो अभी बैठते हैं अपनी बिरयानी मंगवाते फिर बताते हैं कि बिरयानी कैसी है भाई की। फाइनली हमारी बिरयानी आ चुकी है तौफीक भाई की बिरयानी, जो कि इधर दिल्ली की काफी मशहूर बिरयानी थी। बट भाई ये चेक करो भाई कितने मस्त कलर वाले डाल के एक नंबर, ये क्या कहते हैं प्याज और जो रायता है ना, और ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी सिस्टर को भाई, जो मेरे को इधर लेकर आई है खिलाने पिलाने, और भाई शुक्रिया, अच्छा लगता है जब बहन हमारी कमाने वमाने लगती है। तो गाइस हमने चिकन बिरयानी के साथ साथ मंगाया था इधर ये रखा हुआ चिकन कीमा, जो कि ये भी काफी फेमस है इधर। तो भाई इसको भी टेस्ट करते हैं, बता दें कि यहाँ का टेस्ट कैसा है दोनों चीज का। तो गाइस अभी काम करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं बिरयानी को, बता दें कैसी बिरयानी है। भाई बिरयानी तो एक नंबर है, अच्छा टेस्ट है, कीमा भी ट्राई कर लेते हैं लगे आप। भाई खाने का टेस्ट भाई एक नंबर।
फाइनली अभी उन्होंने बिरयानी भाई पेट पूजा बिरयानी बिरयानी खा के भाई एकदम एक नंबर रोज रखी है। तो अभी हम लोग सीधे इधर से जा रहे हैं जामा मस्जिद घूमने और अंकल चाल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा आप जामा मस्जिद घूमने। तो आगे देख लो भाई चलान अलान कर रहे हैं पुलिस वाले, ये चेक करो भाई चलान अलान एकदम कड़ा सिस्टम है। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं भाई जामा मस्जिद, चेक करो जस्ट मेरे आंखों के सामने जामा मस्जिद है, वो देखो वो रही जामा मस्जिद भाई। अभी हम लोग जामा मस्जिद तो जा रहे थे बट अभी प्लान इधर ये बना है कि जामा मस्जिद के पास हम लोग को पता चला कि एक मोहब्बत का शरबत काफी फेमस है इधर, तो काम करते सबसे पहले मोहब्बत का शरबत पियेंगे उसके बाद चलेंगे जामा मस्जिद। फाइनली भी हम लोग भाई जामा मस्जिद के पीछे वाली गली में घुस चुके हैं भाई मोहब्बत शरबत की तलाश में। एक बार चेक करो भाई भीड़ कितनी लगी इधर, जरा पता करते कि भाई हमें कहाँ पर मिलेगा मोहब्बत शरबत और नफरत शरबत, तो पूछते हुए चलते भाई। भाई काफी ज्यादा भीड़ है भाई इधर भाई, चेक करो यार भाई लोग की मोहब्बत, मतलब होटल वाले भाई बाहर मतलब जो गरीब गरीब दर्जन को खाना वाना खिला रहे एकदम टाइट माहौल है भाई, यहाँ पर भीड़ बहुत काफी ज्यादा है। तो शरबत मोहब्बत मेरे को इधर दिख रहा है, हम लोग को मिल चुका है शरबत है मोहम्मद, जिसके लिए हम आए थे भाई की दुकान पे, ये चेक कर सकते हो अपनी बहन के साथ आए, तो काम करता भाई जल्दी से इसको पी के बता दो कि भाई तेज कैसा है इसका। भाई मजा आ गया भाई मजा, भाई इसने क्या क्या पढ़ा है भाई, इसमें प्यार मोहब्बत मजा तीन चीजें डालते हैं तब आती है मोहब्बत का असल मजा। अच्छा अभी हम लोगों ने मोहब्बत शरबत पी लिया भाई, और नफरत शरबत का भी मैंने सुना था जो कि कहीं मिल नहीं रहा था, तो वो भी अब हमें मिल चुका है नफरत शरबत। इधर हमें नफरत शरबत भी मिल चुका भाई, भाई सही ये बताओ नफरत शरबत इसका नाम क्यों है? योगी आदमी दारू पीता है गम बुलाने को। हाँ यदि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो गम बुलाने को दारू पीता नहीं, बिल्कुल सही बात, तो इसीलिए हम शरबत बना चुके हैं इसके लिए। अच्छा मतलब गम बुलाने के लिए, गम बुलाने के लिए भी मतलब हेल्थी चीज पियो, बात सही है यार, तो तुम पी लो एक, तुम्हें ज्यादा गम बुलाना है। फाइनली भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं भाई नफरत शरबत, जो बात है मैं आपको बताऊंगा नफरत हो गई भाई, नफरत तो देखो प्लेट में मोहब्बत और भाई नफरत का शरबत पीकर आ चुके हैं। चेक करो ये बाबू भाई क्या कबाब लेने के लिए जो कि काफी फेमस है भाई, तो काम करते हैं यहाँ से कबाब पैक करवाते लेकिन वो यहाँ नहीं खाएंगे घर पे खाएंगे, पेट काफी भर चुका है हमारा इसलिए। मोहब्बत और नफरत दोनों शरबत पी पा के भाई आ चुके हैं सामने, देख लो जामा मस्जिद हमारी जल्द से दिख रही है। फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं भाई जामा मस्जिद के सामने भाई एकदम जल्द, उसकी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रहे हैं, चेक करो ये सामने हमारे जामा मस्जिद है, काफी लोग इधर फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो काम करते हैं हम लोग भी जल्दी से अंदर एंट्री करते हैं। फाइनली अभी हम लोग आ गए भाई अंदर, क्या कहते हैं जामा मस्जिद के, और एक चीज यहाँ पर आके ध्यान रखना कि जूता चप्पल पहन के अंदर बिल्कुल नहीं आना है, अपना हाथ में ले लो या फिर स्टार्टिंग में वहीं पर जमा कर दो। फिलहाल देखो यहाँ पर कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। ये सीधा जामा मस्जिद है, इधर भी गेट है इधर भी गेट है सामने भी गेट है, मतलब हर गेट से एंट्री हो जाती है। हाँ, दो भी हम लोग क्या कहते हैं जामा मस्जिद के अंदर घूम घूम चुके हैं भाई, उधर सब वजू वजू बना रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो काम करते हैं भाई यहाँ से निकलते हैं। फाइनली हम जामा मस्जिद से निकल चुके हैं भाई घर की तरफ, अरे भाई भीड़ चेक करो यहाँ पर कितनी हार्ड लगी हुई है, अच्छी मार्केट है इधर, चेक करो भाई जामा मस्जिद की लोकल मार्केट में भी हम लोग आ गए भाई, ये देखो कितनी भीड़ है, सब कुछ मिलता है ज्वेलरी से लेकर सस्ता ज्वेलरी है भाई, इधर बैग वगैरह सारा माल इधर है, सारा माल सस्ता वाला है, दस का दो। फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं भाई जामा मस्जिद और लाल किला घूम फिर के भाई, ज्यादा कुछ इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि भाई मार्केट में क्राउड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो आपको मेरी आवाज नहीं आती तो फालतू का दिखाने का कोई फायदा नहीं था। सो आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग चल रहे भाई घर की तरफ, मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं तो जल्दी चलते हैं यहाँ से टोकन लेते फिर निकलते हैं घर की तरफ। इधर अभी हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन भाई, अभी जाते हैं जल्दी से सेक्टर 15 नोएडा का लेता हूँ जल्दी से टोकन, ये तो बड़े लोग हैं भाई इनके पास कार्ड है, हमारे पास कार्ड वार्ड नहीं है, टोकन लेना है, टोकन लेते फिर मेट्रो पकड़ते हैं जल्दी से। एक बार फिर से हम लोग ने टोकन ले लिया है नोएडा सेक्टर 15 के लिए, तो अभी यहाँ पर हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे हैं, जैसे ही इधर से मेट्रो आएगी हम लोग जाएंगे सेक्टर 15, लेकिन मैं रहने वाला तो मयूर विहार फेस 3 का हूँ, लेकिन वहाँ से ऑटो से जाएंगे ना हम लोग, ऑटो से जाएंगे। मेट्रो आ चुकी है हमारी भाई, इसके अंदर जब जल्दी से एंटर करते हैं भाई पहुंचते अपनी लोकेशन पे। फाइनली हम लोग मेट्रो से निकल के आ चुके हैं भाई अपने मतलब स्टॉप पे, अब यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो और निकलेंगे सीधा घर क्योंकि काफी थक चुके हैं, तो मिलते हैं सीधा आपसे घर से, बाय।
सो गाइस फाइनली हम लोग सारी मस्ती करके आ चुके हैं भाई घर। भाई आज है ना भाई बहुत ज्यादा थक गया पता है, बहुत ज्यादा तुम लोग के चक्कर में भाई इतना घुमा लेकिन मजा आ गया भाई। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद, अगर ब्लॉग पसंद है तो आपको पता है क्या करना है, प्यारा सा लाइक करना है, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो घंटा घंटी दिख रहा है भाई उस पर ठप से मार दो। और भाई फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कमेंट में जरूर बताओ कि मुझे दिल्ली में यहाँ पर क्या घूमना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सप्लोर करना चाहिए गाइस, और फैला दो वीडियो। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।